बहुत ही ठंड लग रही है। ये सब क्या हो रहा है? कैसा हो सकता है कि जाल की वजह से ऐसा हो रहा हो? अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझसे पंगा मत लो, तुमने एक गलत मेंढक से पंगा लिया है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कितनी ठंडी हवा चल रही है, लगता है ये जार मुझ पे हंस रहा है। या, ये मेरा काम के लायक है, ये मुझे तेज हवा से बचाएगा। मैं अंदर घुस जाऊंगा और मैं अपने आप को गर्म कर लूंगा। क्रोकर, तुम सच में कितना होशियार हो। ये तो बहुत अच्छा, मैं पूरी सदी इस जार में बिता दूंगा। या मैं आराम से सो सकता हूँ। इतनी ठंड है। ओह, मेरा दोस्त जो जाओ। मेरा सिर क्यों इतना चकरा रहा है? अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या? तो तुम इस जार से टकरा गए। ये तो मेरा नया घर है। तुम्हारा नया घर? ये हवा से बचाता है और ये बहुत गर्म है कॉस्मो। क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारा घर बढ़िया है। कितना गर्म और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये घर तो बहुत बहुत बढ़िया है। ये तो एकदम सही कहा, ये सबसे अच्छा घर होगा अभी तक का। मेरी तरफ देखो कॉस्मो, ये घर शानदार है। हम पूरी सर्दी यहाँ बिता सकते हैं और गर्म रह सकते हैं। वाओ, सच में? कितनी बढ़िया नींद आई है मुझे, मजा आ गया। और देखो दिन भी कितना अच्छा है, टाइम है मेरी सुबह की एक्सरसाइज का। मैं तो भूल ही गया कि ऊपर ढक्कन लगा है। ये बहुत ही दुख रहा है कॉस्मो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर कर रहे हो? मैं बहुत जबरदस्त सपना देख रहा था और फिर तुमने मुझे जगा दिया। तुम एक परेशान करने वाली नर मक्खी हो। मुझे माफ कर दो जो, मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग एक शीशे के जार में हैं। अब और नहीं सह सकता, ये जार मेरा है, ये घर भी मेरा है, इस घर को मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता कॉस्मो। अब तुम यहाँ से चले जाओ बस। ऐसा मत करो जो। बाहर बहुत ठंड है जो, जो मुझे अंदर आने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ। Ugh!
कितनी खराब नींद आई मुझे। उस मतलबी मोटे जो को शर्म आनी चाहिए मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। हाँ, लगता है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जाओ जाओ सुनो है? ये मोटा मेंढक कितना सोता है। जो उठ जाओ अभी के अभी। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कॉस्मो, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपना घर शेयर नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ मेरी कोई चीज शेयर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ देखने आया हूँ कि तुम पूरा दिन जार में कैसे बिताओगे। अच्छा ठीक है फिर कॉस्मो, मैं यहाँ से बाहर कूद जाऊंगा। मैं ढक्कन को खोल नहीं पा रहा हूँ। कॉस्मो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये नहीं खुल रहा है, मुझे माफ कर दो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस अचार के जार में सन्ना नहीं है। हे जो, परेशान मत हो, मैं जाके मदद लेके आता हूँ। हे कॉस्मो, तुम जल्दी वापस आना। इसके अंदर मुझे घुटन सी हो रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे पता है क्या करना है। हे जो, ठीक वही लटके रहो, तुम कुछ समय में बाहर आ जाओगे। सही कहा, तुम लोगों के बिना बाहर कैसे आऊंगा। एक दो तीन चलो। मैं ब्रूम, पक्का है ना ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, मैं इस पत्थर से कांच तोड़कर झोंक रखकर को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, इससे काम बनेगा, पर उसका निशाना मुझे ना बनाना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे ये कांच तो टूटा नहीं। ओ नहीं, मैकब्रूम क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है ये कांच बहुत मजबूत है और ये पत्थर उतना बड़ा नहीं है। पार्टल भी, हमें कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। सच में ठंडा है। हाँ मेरे पास एक प्लान है। जो, हम तुम्हें बचा लेंगे दोस्तों। हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या बात है बाटल भी, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? तो ये सिकुड़ने और फैलने के बारे में है। हाँ, ठंडी हवा की वजह से ढक्कन बहुत बुरी तरह से चिपक गया है, तो अब हमें इस जार को गर्म करना होगा ताकि अंदर की हवा फैल जाए और ढक्कन खुल जाए। ठीक है? ओ, ओ, सही में? हाँ, ढक्कन खुल जाए। बिल्कुल सही कहा। तो अब हम अलग अलग होकर जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। बढ़िया। बाटल भी, तुम मेरा तो तंदूरी नहीं बनाओगे ना? वैसे जो, मुझे लगता है कि अगर जार थोड़ा गर्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए यही ठीक रहेगा। चलो शुरू हो जाओ। हाँ। हे जो, गर्मी से घबराना मत, तुम बहुत जल्द बाहर रह जाओगे, समझे? ठीक है फिर, मैं शांति रखता हूँ। इधर बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, मैं मर गया। और गर्म मत करना, मैं और नहीं सह सकता। बस हो ही गया, समझ लो कि सोना बात ले रहे हो। मेरा पैर जल रहा है, मर गया। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं मर गया। ये काम कर गया। हे हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने देखा कि ठंड से सारी चीजें सिकुड़ जाती हैं और गर्मी से फैल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। हमें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी जो को बाहर निकालने के लिए, है ना दोस्तों? तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, और ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।